तो अगर आपके पास भी है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से इशू किया गया है, 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे या इनके जो और भी पार्टनरशिप है, अगर उन पे आप खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो आपको 5% का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी काफी लोग के मन में यह सवाल होगा कि भाई इस कार्ड से, इस क्रेडिट कार्ड से हम कैश निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना। आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि इस कार्ड से आपको कैश विड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे यूजर होंगे, एक अच्छी खरीदारी करते होंगे फ्लिपकार्ट पे। तो आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से फोन आएगा, ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा कि आप एलिजिबल हैं। मेरे केस में मेरे को कॉल आया था, एक मैम ने कॉल किया था, उन्होंने बताया कि आप जो है एलिजिबल हैं, आपको कोई भी पेमेंट प्रूफ, आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिखाना है, सिंपली से आप अप्लाई करिए, आपका कार्ड अप्रूव होगा, आपको डिलीवर हो जाएगा, आप यूज करिए। तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया और 4 से 5 दिनों में ये मेरा कार्ड जो है बन के मेरे घर पे आ गया, 1 से 2 दिनों में अप्रूव हो गया था। जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे वीडियो केवाईसी का कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक फिजिकल केवाईसी होती है जिसके लिए एक बंदा मेरे घर पे आया था, उसने फिजिकल केवाईसी मेरी कंप्लीट की। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 दिनों में ये वहां से डिस्पैच हो गया और ब्लू डार्ट के थ्रू सिर्फ 2 दिनों में ये मेरे को मिल गया। तो टोटल प्रोसीजर 1 हफ्ते का यानी 7 दिन का हुआ है, जिसमें मुझे कार्ड अप्रूवल से लेकर कार्ड डिलीवरी तक का टाइम 7 दिनों का लगा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड जो है बेनिफिट से तो लेस है। आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट जो है काफी सारा बेनिफिट देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन क्वेश्चन जो होता है कि कैश विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने इससे कैश विड्रॉ किया है, तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज जाननी है तो आपको जो भी इनवेलप मिलता है, जो भी लिफाफा मिलता है, उसमें आपको जहां पे आपको एक्टिवेशन कोड दिखाया जाता है, वहीं पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वहां पे आपको लिखा होगा कैश विड्रॉ लिमिट। उसमें आपको लिमिट शो करी होंगी कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं कैश में, आप इतना इंटरनेशनली खर्च कर सकते हैं, इतना देश में रह के खर्च कर सकते हैं और इतना एनुअल चार्ज है, सारी चीजें आपके एनवेलप पे लिखी होंगी। मेरे केस में जो है 4500 रुपए तक मैं निकाल सकता हूँ इस कार्ड से, 15000 की मेरे को लिमिट मिली है। एक और मेरे पास कार्ड है उसकी 30000 लिमिट है, उसमें जो है मैं 12000 रुपए निकाल सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लिमिट जो है बढ़ती जाएगी। तो आप साइट में सारी डिटेल्स देख रहे होंगे, तो आपके पास जो एनवेलप आएगा, जो लिफाफा आएगा, उसके जो फ्रंट पेज होगा जिसपे आपका कोड लिखा होगा, आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, उसपे आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, कहाँ पे कितना खर्च कर सकते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपके पास भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपकी लिमिट कितनी है। और हाँ, एक ज्ञान की बात आपको दे देता हूँ कि आप कभी भी अपना जो है कार्ड नंबर, अपना CVV किसी को शेयर ना करिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कार्ड नंबर और CVV अगर आपने डाल दिया तो 100% आपका जो है पेमेंट कट जाएगा और वो पेमेंट आप वापस भी नहीं ला सकते। तो कभी भी अपना कार्ड किसी को ना शेयर करिए, कोई भी डिटेल किसी को ना दिखाइए, तभी आप सिक्योर रहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।